गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा काफी पहले से आप लोगों के लिए चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आज हमारा रूल नंबर 4 है और आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियोस को देखिए, रूल्स को समझिए, जो भी आपको दिक्कत हो परेशानी हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो रूल नंबर 4 में है कि यज टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन इन्फिनिटिव का प्रयोग न हो तो टू के स्थान पर एक्सक्लेमेटिव या ओवर का प्रयोग करते हैं अथवा टू को हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। यानी पहले जो भी हम आपको वाक्य दे रहे थे उसमें जो है आई वर्क के साथ, जैसे एग्जांपल में यहाँ आई वर्क के साथ आपका जो एडजेक्टिव होता था और एडजेक्टिव के जस्ट आगे जो है इन्फिनिटिव का भी प्रयोग होता था, लेकिन आज जो रूल्स है उसमें यह है कि इसमें जो है टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है लेकिन इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसे वाक्यों की चेंजिंग करते समय हम टू को हटा देंगे और इसके स्थान पर आप ओवर लगा दीजिए या एक्सक्लेमेटिव लगा दीजिए। यहाँ इसे लिखा ही टू ईगर फॉर ब्रेड, तो यहाँ देख रहे हैं कि ईगर के बाद ब्रेड फॉर ब्रेड लिखा हुआ है, यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं है। तो टू के स्थान पर हम ओवर भी लगा सकते हैं और एक्सक्लेमेटिव भी लगा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ही इज ओवर ईगर फॉर ब्रेड या ही इज एक्सक्लेमेटिव ईगर फॉर ब्रेड। इस वाक्य को अगर दूसरे ढंग से आपको बताता है तो टू को हटाएंगे लेकिन जो आपका बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है वह वाक्य के अंत में लिखेंगे। जैसे में यहाँ ही इज ईगर फॉर ब्रेड, यहाँ तक तो है आप देख रहे हैं यहाँ टू हट गया है, लेकिन इसी टू के स्थान पर हम वाक्य के अंत में यहाँ ब्रेड के बाद हमारा वाक्य अंत हो रहा है, तो यहाँ हमने लिख दिया बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट यहाँ प्रयोग है। बियॉन्ड द, यहाँ द लगा देंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस प्रकार से हम जो है ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और इसी पर रिलेटेड जो है आप लोगों को हम जो है होमवर्क दिए हुए हैं। आपको जो भी दिक्कत हो परेशानी हो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बस थैंक्स।